है। एक एग्जांपल लिख लीजिए, दो तीन नियम, दो तीन का जो है ना केवल फार्मूला जनरली पूछता है, एग्जांपल थर्ड वाले का बहुत पूछता है और जड़त्व का नियम का। दूसरे का एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, लिखना तो लिख लीजिए। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को छोटा सा लिख लीजिए उसी में, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने हाथों को अपनी तरफ खींचते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको दर्द का महसूस होता है ना, अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होता है, या बराबर या में होता है ना, जैसे जब गेंद बहुत तेजी के साथ आ रही है तो क्या है, जब गेंद तेजी के साथ आ रही है तो क्या है, उसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप अपने हाथ लेते हैं गेंद की गति को क्या कर देते हैं आप, कब देखिए यम फिक्स है, ये मास तो फिक्स है, एक्सीलरेशन में आप वेरिएशन करते हैं केवल, ठीक है, थोड़ा में ही वेरिएशन करते हैं, उसी गति को आप कम कर दिए तो स्लो हो गया, तो उससे ये वैल्यू कम हो जाती है, अगर ये एक्सीलरेशन को कम कर देंगे तो ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है, गेंद बहुत तेजी साथ आ रही थी आप उसको रोक के स्लो कर दिए, तो जब ये कम हो गया तो आपको बल कम लगेगा, चोट कम लगेगी, बस यही है उसका, बस आप उसमें न्यूमेरिकल याद रखिएगा। ट्रेन से आगे कूदते समय क्या बोले, उसमें क्या लगता है, हाँ उसमें तिथि लगेगा, अगर उल्टा आप करेंगे तो गिर जाएगा, उसी दिशा में, ये तो जनरल सी बात है, अगर नहीं करते तो तभी बहुत लोगों को फ्रैक्चर भी हो जाता है, गाड़ी जिस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो उसी दिशा में आपको मूव करना होता है, नहीं तो फिर जान लीजिए, फिर नहीं इसमें तृतीय नियम नहीं लगेगा, इसमें आपका पहला नियम लगेगा जड़त्व का, इसमें जड़त्व का नियम लगेगा, कैसे, गाड़ी आप मूव कर रही है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, गाड़ी ऐसे जा रही है और आप क्या है अभी उसमें स्थिर में है, गाड़ी सर टच में स्थिर में है, जैसे ही कूदेंगे तो गाड़ी, ठीक है, गाड़ी तो आगे ही जा रही है, आप हवा में कूदेंगे तो क्या होगा, आप तुरंत सरफेस में आ जाएंगे टच में, आपका पैर रुकना चाहेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आगे की तरफ गिरेंगे, उसी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जिसमें पहला नियम लगेगा आप याद रखिएगा, थर्ड नियम नहीं है इसमें, एक्शन रिएक्शन वाला नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया।